खबरों में बने रहने के लिए अपना डॉट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर। नाजायज मोहब्बत का अंजाम अक्सर तबाही होता है। रूप और देव की शादी से दूर रहो सफर, वरना अंजाम बुरा होगा। नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। दोस्तों, आज पहुंच चुके हैं पटना के फन रिजेंट में और यहां जो है आज मूवी रिव्यू करेंगे, पब्लिक मूवी रिव्यू करेंगे कलंक की, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं, संजय दत्त हैं, माधुरी दीक्षित हैं, वरुण धवन हैं, आलिया भट्ट हैं, आदित्य राय कपूर हैं, सोनाक्षी सिन्हा हैं। तो आखिर में हम यहाँ जानेंगे दर्शकों की राय कि इस मूवी को कितने स्टार देते हैं, कैसी मूवी लगी, कैसी कहानी लगी, उसी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम मिलवाते हैं दर्शकों से और जानते हैं इस मूवी की राय कि आखिर में दर्शकों की क्या राय है, क्या कहते हैं इस मूवी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तो आपके हिसाब से, चूँकि आप यहाँ के व्यवस्थापक हैं और हर शो को आप देखते होंगे, हर भीड़ को आप देखते होंगे, आपके हिसाब से इस मूवी में क्या ऐसा है जो देखना चाहिए दर्शकों को? जो इस मूवी में जो मैसेज दिया है कि लोग जो मतलब संबंध का जो भी इस मैटर में दिया गया है, शादी जबरदस्ती हो जाती है, प्यार नहीं होता, ये सब जो मैटर दिया है वो सब इसमें मैटर, ये मूवी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि मूवी खराब है, ऐसा कुछ है। मुझे लगता है युवा वर्ग के लिए ये मूवी नहीं बनी है, जहाँ तक हमको समझना, या समझना नहीं चाहता ये। देखिए, एक्चुअली होता क्या है ना कि ऐसी बहुत से ऐसी पिक्चर आती है जो युवा वर्ग उसको नहीं देखता है। अभी कुछ दिन पहले हमारा एक मूवी आई थी द तस्कन फाइल, बहुत जबरदस्त और एक अच्छी मूवी थी, लेकिन उसको युवा नहीं देखना चाहता, नहीं देखना। ऐसा ही भी ये भी एक ऐसा ही पिक्चर है कि जो युवा इसको नहीं देखना चाहता, लेकिन इस मूवी में बहुत बड़ा मैसेज समाज को इस पिक्चर में दिया गया है। अब शायद ऐसा स्टोरी पहला बार आया है। यस यस, बहुत दिन, हाँ ऐसा स्टोरी बहुत, देवदास के बाद, देवदास एक अलग कॉन्सेप्ट, देवदास अलग कहानी था, लेकिन इसमें जो चीज दिखाया है वो बहुत अलग दिखाया है और मूवी बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी। जितने भी इसमें कलाकार हो, माधुरी दीक्षित हो, संजय दत्त हो, या वरुण धवन हो, ये जितने भी इसमें, आदित्य राय कपूर हो, जितने भी एक्टर है सबने अच्छा एक्टिंग किया और अच्छी अच्छी मूवी है। कैसी लगी कलंक आपको? सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया था। किस एक्टर की मतलब सबसे अच्छी एक्टिंग लगी? वरुण धवन की, संजय दत्त की, इतने बड़े बड़े स्टार हैं, कैसी लगी? वरुण धवन की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। नए कलाकार हैं और नए कलाकार के अनुसार उनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी। इस मूवी को 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहेंगे? 4। कैसी लगी मूवी आपको? बहुत अच्छा। कैसी लगी? नहीं, कुछ खास नहीं था। कुछ खास नहीं, एवरेज, ठीक ठाक रहा। कैसी? सही है। समझ में नहीं आई? कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आई, कुछ समझ में नहीं। इतने कैसी लगी मूवी आपको? मिला जुला कर ठीक है, मिला जुला कर ठीक है। समझ में नहीं आई कि कलंक आखिर में है क्या, किस पे बनाया गया इस मूवी? ये हिंदुस्तान पाकिस्तान जो बंटवारा हुआ था ना, तो बंटवारे पे दिखलाया गया है कि अगर मोहब्बत है तो वहीं कलंक भी है, और मोहब्बत नहीं है वहाँ कलंक नहीं, वहाँ कलंक नहीं। चलिए, कैसी लगी आपको? अच्छी मूवी है। कैसी लगी मैडम आपको? ठीक ठाक। किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी लगी? माधुरी दीक्षित की अच्छी लगी। सोनाक्षी की एक्टिंग उसमें खास दिखी नहीं, फिर भी आलिया और वरुण के मुकाबले सोनाक्षी की ज्यादा अच्छी। अगर हीरो की बात करें तो किसकी? संजय दत्त, वरुण धवन की। इस मूवी को 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहेंगे? 2। चलिए, कैसी लगी मूवी आपको? Incredible, it was very amazing. I'm so happy to see. सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी? सबसे अच्छे like आलिया भट्ट, very much. आलिया भट्ट के। Yes. इस मूवी को 5 स्टार में से कितना स्टार? 4.5। कैसी लगी मूवी मैडम आपको? कैसी लगी? It's good movie actually. आलिया did a great job. और वरुण की अच्छी एक्टिंग थी। वरुण की अच्छी। Especially आदित्य also proved his role. अच्छा। माधुरी दीक्षित हो रही इतने दिन के बाद। She is phenomenal. She has done a good job. Very good job. इस मूवी को 5 स्टार में 4-4। Thank you. जी, कैसी लगी मूवी आपको? बहुत अच्छी थी। किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी लगी? वरुण धवन की। और आदित्य राय कपूर जो थे? हाँ, उनकी बहुत अच्छी। और अगर हीरोइन की बात करें तो आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित। 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहेंगे इस मूवी को? 5। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कलंक मूवी जो थी, इसका कोई जवाब नहीं है। मोहब्बत तो बताया है, साथ साथ कलंक को भी प्रूव किया है। जी, स्लो मूवी है, बहुत स्लो मूवी है, ड्रामा ज्यादा है,
मुझे ज़्यादा खास इंटरटेनिंग नहीं लगा। खास अच्छा आपको नहीं लगा जी, कैसी लगी आपको मूवी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी, स्पेशली माधुरी दीक्षित को देखने आई। माधुरी दीक्षित को बहुत अच्छी, और बाकी इस बाकी लोगों को संजय दत्त हैं, सारे लोग अच्छे लगे पर माधुरी दीक्षित स्पेशली बहुत अच्छी लगी। कितना स्टार देना चाहेंगे इस मूवी को? 4 पैसा पे कलंक है ये, पैसा पे कलंक है जी। बोरिंग थी नहीं, अच्छी थी। नहीं अच्छी लगी, अच्छी लगी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। किसका एक्टर सबसे अच्छा लगा आपको? वरुण धवन। हाई पे स्टार में से कितना देना चाहेंगे? 4 चलिए धन्यवाद जी। कैसी लगी मूवी? एवरेज। किसका एक्शन सबसे अच्छा था इसमें? आलिया का और माधुरी दीक्षित का? किसका अच्छा था? सबसे अच्छा वरुण धवन का। 5 स्टार में से कितना देना चाहेंगे इस मूवी को? 3.5। कितना स्टार देना चाहेंगे 5 में से? संजय दत्त को 3 स्टार। टोटल मूवी को कितना स्टार देना? 2.5। मैडम कैसी लगी मूवी आपको? बहुत अच्छी मूवी थी, फुल ड्रामा था। मैं 4 स्टार देना चाहूंगी, आउट ऑफ 5 मैं 4 स्टार देना चाहूंगी। और किसकी एक्टिंग सबसे अच्छा लगा? आदित्य राय का और आलिया का। और इसमें जो गाने वगैरह हैं इसके बारे में? गाना वो जो लास्ट में माधुरी का सॉन्ग था उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लास्ट वाला एंड में। हाँ, एंड में माधुरी का सॉन्ग था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और अरुण ने भी बहुत अच्छा डांस किया। इस मूवी को 5 स्टार में से उच्चा देना चाहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद। कैसी लगी सर मूवी आपको? बहुत अच्छी लगी मूवी है। अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। कितना स्टार देना चाहेंगे 5 में से? 5 में से तो 5 तो जरूर देंगे। 5 बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी, कैसी लगी मूवी आपको? अच्छी थी। किसका मतलब सबसे अच्छा आपको लगा एक्टिंग? आलिया भट्ट। और अगर हीरो की बात करें तो? वरुण धवन का। अगर इस मूवी में हम जानना चाहेंगे, अगर 5 स्टार है तो इसमें से कितना स्टार देना चाहेंगे इस मूवी को? 4 स्टार। 4 स्टार, अच्छी लगी। यस। और कैसी लगी मूवी? अच्छी लगी, अच्छी, वेरी नाइस। किसका एक्शन एक्टिंग सबसे अच्छा लगा आपको? सबसे अच्छा आलिया भट्ट का। आलिया भट्ट का, वरुण धवन का। यस। हीरोइन में आलिया भट्ट? यस। संजय दत्त, माधुरी दीक्षित? नो। अच्छा एक्शन इन लोग का नहीं है? नो। संजय दत्त का बिल्कुल भी नहीं। संजय दत्त का ये सूट ही नहीं कर रहा जो जो है। गाना वगैरह? गाना अच्छा लगा। अगर बात करें हम 5 स्टार में से तो कितना स्टार इस मूवी को दीजिएगा? 3 स्टार। 3 स्टार, ओके, अच्छी है, ठीक है। और किसकी मतलब एक्टिंग सबसे अच्छी लगी आपको? आलिया भट्ट। और हीरो की बात करें तो? वरुण की। अगर हम बात करें कि इस मूवी को 5 स्टार में से कितना स्टार दीजिएगा? 2 तो अच्छी नहीं लगी? नहीं, वो ठीक थी, एक बार देखने लग। एवेंजर का वेट है, एवेंजर्स का दोबारा नहीं देखा जाता ना, एक बार देखने लग, एक बार। जी मैडम आप बताइए कैसी लगी मूवी आपको? अच्छी है, 2 स्टार देंगे। 2 स्टार, मतलब किसकी खराब एक्टिंग किसकी लगी जो 2 स्टार पहले ही? हमें तो सिर्फ आलिया और वरुण की अच्छी लगी बस। संजय दत्त, माधुरी दीक्षित? हाँ ठीक है। आदित्य राय कपूर? हाँ ठीक है। कहानी तो बकवास ही लगी। कहानी बकवास है। 5 स्टार में से 2 स्टार। ताना चाहेंगे कैसी लगी आपको मूवी? है ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक है मतलब उतना बढ़िया नहीं है? नहीं, क्या मुझे कोई खास नहीं लगी। और आपको अगर हीरोइन की बात करें इसमें तो किसकी? आलिया भट्ट की। माधुरी दीक्षित की? उसके तो बात ही अलग है, उनकी तो बात ही अलग। संजय दत्त? हाँ, उनका भी किरदार अच्छा रहा। अगर बात करें 5 स्टार में से कितना स्टार दीजिएगा इस मूवी को? ज़्यादा नहीं, 3। 3 बस। चलिए जी सर आप भी बताते जाइए कैसी लगी मूवी आपको? बहुत बकवास। बकवास है? बकवास। क्या बकवास? कहानी कुछ समझ में नहीं आया। हाँ। बहुत स्लो फिल्म है। हाँ। बिल्कुल नियस, मतलब कलंक क्या है कुछ समझ में नहीं आया? नहीं, कलंक तो फिल्म का नाम ही भुला गया, कलंक नाम क्या है फिल्म का कोई जान नहीं है। और बिल्कुल समझ में नहीं आया और एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं है, बिच बोरिंग है, मतलब हम लोग फिल्म मतलब कहानी से मैच नहीं करता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गाने अच्छे हैं? गाना भी नहीं? नहीं नहीं। तो मेरा तो है 2.5। 2.5। और हीरोइन में बात करें आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित, इतने बड़े बड़े मतलब स्टार हैं। आलिया भट्ट बहुत अच्छा काम की, उनका हमको काम अच्छा लगा। वरुण धवन भी बहुत अच्छा काम, सभी अच्छे किए। हाँ। लेकिन स्टोरी में तो कहानी अच्छा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। कितना स्टार दीजिएगा? 2.5। आप भी सिंगल स्टार? सिंगल स्टार। मैं तो आपके हिसाब से, क्योंकि आप यहाँ के व्यवस्थापक हैं और हर शो को आप देखते होंगे, हर भीड़ को आप देखते होंगे, आपके हिसाब से इस मूवी में क्या ऐसा है जो देखना चाहिए दर्शकों को? जो इस मूवी में जो मैसेज दिया है कि लोग जो मतलब संबंध का जो भी इस मैटर में दिया गया है,
सजिए शादी जबरदस्ती हो जाती है, प्यार नहीं होता, ये सब जो मैटर दिया है वो सब इसमें मैटर है। मूवी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि मूवी खराब है, ऐसा कुछ है। मुझे लगता है युवा वर्ग के लिए ये मूवी नहीं बनी है, जहाँ तक हमको समझना या समझना नहीं चाहता ये। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि ऐसी बहुत सी ऐसी पिक्चर आती है जो युवा वर्ग उसको नहीं देखता है। अभी कुछ दिन पहले हमारा एक मूवी आई थी द तस्कन फाइल, बहुत जबरदस्त और एक अच्छी मूवी थी, लेकिन उसको युवा नहीं देखना चाहता। नहीं देखना ऐसे ही भी ये भी एक ऐसा ही पिक्चर है कि जो युवा इसको नहीं देखना चाहता, लेकिन इस मूवी में बहुत बड़ा मैसेज समाज को इस पिक्चर में दिया गया है। अब शायद ऐसा स्टोरी पहला बार आया है। यस यस, बहुत दिन हाँ ऐसा स्टोरी बहुत देवदास के बाद, देवदास तो एक अलग कॉन्सेप्ट था, देवदास अलग कहानी था, लेकिन इसमें जो चीज दिखाया है वो बहुत अलग दिखाया है और मूवी बहुत अच्छी बनी है। बहुत अच्छी, जितने भी इसमें कलाकार हो, माधुरी दीक्षित हो, संजय दत्त हो, या वरुण धवन हो, ये जितने भी इसमें आदित्य कपूर हो, जितने भी एक्टर है सबने अच्छा एक्टिंग किया और अच्छी अच्छी मूवी है। अगर इसकी नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो आपके हिसाब से आपको क्या खराब लगता है इसमें? नेगेटिव पॉइंट कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। नहीं, गाना भी ठीक ठाक है, गाना भी सब कुछ, स्टोरी भी अच्छी, बड़े बड़े दिग्गज कलाकार भी हैं, दिग्गज सबने जितने भी कलाकार इसमें एक्टिंग किए हैं वो सबने अच्छे एक्टिंग किए। अच्छा, आपके हिसाब से अगर समझा जाए कि इस मूवी को अगर 5 स्टार से बात किया जाए, 4.5 अगर देंगे, इसलिए कि इस मूवी को मैं लगातार कल नाइट शो में भी देखा है, जो हम लोग मूवी चेक करते हैं, हम जो मूवी चेक करते हैं उसको भी देखा, मैंने मॉर्निंग शो भी देखा, 12 बजे का भी शो देखा और 3 बजे सब हाउसफुल चल रहे हैं जी। अभी हाउसफुल शो है हमारे, हमको लगता है अभी तो लंबा दिन चलने वाले, अभी चलेगी मूवी चलेगी। हमको लगता है कि बाकी लोग जो आए कलंक के बारे में समझ के जो समझने वाले, इस मूवी को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, बैठकर अच्छा से देखना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि मूवी कहीं कमजोर है, मूवी के कड़ी कहीं मूवी के किसी कड़ी एंगल से मूवी कमजोर नहीं है। आप मूवी देखिए, इंजॉय भी साथ करते रहिए, ये नहीं कि ऐसा इधर उधर भटकी, मूवी अच्छी है और बैठकर आराम से देख सकते हैं इसको। ये तो आपने देखा, यहाँ इस मूवी को ध्यान पूर्वक देखने की जरूरत है, जब ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज इसमें कलाकार हैं, संजय दत्त हैं, आलिया भट्ट हैं, वरुण धवन हैं, आदित्य राय कपूर हैं, करण जौहर, इसमें बड़े बड़े दिग्गज, लेकिन ज़रूरत है इसको समझने की। इस मूवी में दिखाया गया है बरसों की पुरानी बातें, उस जमाने की जिसको कलंक का नाम दिया गया है। इस मूवी को जानने और समझने के लिए एक बार आपको हॉल तक जरूर आना चाहिए। यहाँ से हम लोग थे रिजेंट सिनेमा, फन रिजेंट सिनेमा, फेमस यहाँ पटना का फेमस हॉल है, यहाँ आके आपको एक बार देखिए और समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि फिल्म देखने वाला है या नहीं देखने वाला है। तो मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ, बने रहें अपना लाइव डॉट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।